Welcome to Khyber Pakhtunkhwa, the land of the hospitality. So, इधर से जो आगे वाला एरिया है, इधर से केपी स्टार्ट हो रहा है, इट्स द गेटवे ऑफ गलियात. और अभी भी जो हम मौजूद हैं ये है मरी डिस्ट्रिक्ट, लेकिन जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये है गलियात स्टार्ट होगी. ये कॉलेज की तरफ से एक वेलकम नोट, सयाहों को ज़िला एबटाबाद में हम खुश आमदीद कहते हैं. किसी भी इमरजेंसी या मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर पे रुजू कर सकते हैं, ये नंबर दिए गए हैं. और ये भी है कुछ नंबर्स और कुछ इंस्ट्रक्शन है केपी पुलिस की तरफ से. ये छांगा गली है, अब हम छांगा गली पहुंच गए हैं. पहुंच चुके डोंगा गली, ये डोंगा गली बाजार है. इधर से दो ट्रैक हैं, ठीक है. एक ट्रैक ये है, ये ट्रैक जो है पाइपलाइन ट्रैक है. और डोंगा गली से अगर आप इधर से एक रास्ता जाएगा ये लेफ्ट पे, ठीक है, ये वाला रास्ता है. इधर पे जाओगे ये जाएगा नथिया गली, और मशपुरी जाने के लिए फिर आप इसी ट्रैक पे जाएंगे. सो हमें जाना है इसी ट्रैक पे, और ये है मशपुरी, ये जाएगा मशपुरी. इधर आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो. ये ट्रैक है मशपुरी का. सो नाउ वी आर गोइंग टू मशपुरी. वेरी लवली प्लेस, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है ये. तकरीबन जो है ये वन हावर्स का वन साइड का जो ट्रैक है, और इसी रास्ते से फिर हम वापस आएंगे. तो जी हम ये क्या नाम है मशपुरी टॉप की तरफ ट्रैक पे जा रहे हैं. ये 4 किलोमीटर एक तरफ है, और वापस पे 4 किलोमीटर, टोटल 8 किलोमीटर ट्रैक है. और इसमें आपको बहुत रिच फ्लोरा फौना मिलता है. और अब ये पाइन जो ट्रीज़ है, इन ये नए नए लीफ इन्होंने इन ये ट्रीज़ लाए हैं, और बहुत खूबसूरत लगता है. ट्रैक के दोनों तरफ आपको मुख्तलिफ फूल और सब्ज़े और सारी खूबसूरत चीज़ें, जो कि एक कुदरत पसंद नेचुरलिस्ट के लिए अट्रैक्शन का सबब है, ये सारे आपको नज़र आएंगे. और हम ऊपर जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं. और ये अगर कोई ट्रैक पे गाड़ी के सर्विसेज यूज़ करना चाहे तो वो भी अवेलेबल है. नीचे घोड़े भी मिलते हैं हॉर्स बैक राइडिंग के लिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही खूबसूरत, दिस ट्रैक इज़ रिकमेंडेड फॉर एवरीवन. बट मेरा ख्याल है घोड़े राइडिंग से या गाड़ी से बेहतर ये है कि आप लोग पैदल इसको एक्सप्लोर करो, क्योंकि ये एक तो सेहत के लिए भी ठीक है ट्रैकिंग करना, और फर्दर जो है एक नेचर जो है इसकी आप खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हो. सो हम पहुंच चुके हैं इधर, ये है टिकट घर. इधर से आपको टिकट लेना होता है मशपुरी के लिए. ब्रो किस तरह टिकट स्टूडेंट के लिए कितना है? ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मशपुरी, और तकरीबन 2.5 किलोमीटर है. लालाजार ट्रैक 5 किलोमीटर है, और इधर से आगे ट्रैकिंग स्टार्ट हो रहा है. हमें इधर से राइट पे जाना है. अगर आपको लालाजार ट्रैक जाना है तो ये 5 किलोमीटर, तो फिर आप इसी रास्ते पे जाओगे. सो आज का जो हमारा ट्रैक है ये मशपुरी है,
आज मुशपुरी जा रहे हैं। सो ये हमारे पार्टनर्स हैं, हम सफ़र, शम साहब इधर है, रहीम साहब और निज़ार साहब आगे जा चुके हैं और मैं स्टिल आपके साथ बैक ऑफ द कैमरा। अब हमारा ट्रैकिंग, असल ट्रैकिंग अभी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि वो जो था कुछ रास्ते थे सही थे इधर तक। अगर आप गाड़ी पे आना है गाड़ी पे आ सकते हो, हॉर्स ट्रैकिंग कर सकते हो, बट स्टिल ये है कि आप अगर पैदल ट्रैकिंग करो ताकि एक सेहत भी बना रहे और सेकेंडली इधर की वेदर्स को आप और नेचर को आप इंजॉय कर सको। ये वॉल आइसक्रीम की तरफ से एक इनिशिएटिव है मशपुरी जो ट्रैक में, प्लेस कीप योर कम्युनिटी क्लीन, तो अप्रिशिएट करते हैं हम इसको। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बिन जो है वो डिफरेंट जगहों में प्लेस किया हुआ है। दोस्तों सो वी स्टिल आर ट्रैकिंग, ये माशाल्लाह मौसम भी बड़ा अच्छा प्यारा बना है आज, इतना ज़्यादा धूप भी नहीं है, क्लाउडी है। एक तो ये है कि जब इधर राइज ज़्यादा होता है तो ये सन बाइट अक्सर हो जाता है, तो जो भी ट्रैक पे आए आप लोग अपने साथ सन ब्लॉक को इस तरह की चीज़ें आप लेके आओ। सेकेंडली पानी आपके साथ अपने साथ लेके आना है, क्योंकि जब आप चलते जाओगे सफ़र करते जाओगे पानी की आपको अवश्य ज़रूरत होगी, पानी पीने को आपका दिल करेगा। सो बबल और पानी इस तरह की कुछ चीज़ें अपने साथ लेके आना है। ये दोस्तों ये देखो, ये दरख्त जो है, ये जो नेचुरल डेथ नहीं है दरख्त का, या कोई इंसिडेंट की वजह से ये नहीं गिरा है। बेसिकली इसी एरियाज में अक्सर जो है टेम्बर माफिया जो है, ये स्पेशल जो पाइन ट्री, इसको पहले आग लगाते हैं नीचे, फिर इसको गिराया जाता है, फिर इसको इधर से लेके जाते हैं। सो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अपील है कि GDS से कि इस चीज़ की रोकथाम के लिए कोशिश करें। ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। ओए होए सिर्फ आयो घूमता हुआ अकबा बिल्कुल सामने वो है मशपुरी टॉप। मशपुरी टॉप किसी भी मुसीबत या किसी भी ऐसे इंसिडेंट से बचने के लिए जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन GDA की तरफ से, अयोध्या नेशनल पार्क की जो इंतजामिया की तरफ से लिखे गए हैं, इनको आपको ख्याल रखना है। तकरीबन जो मशपुरी टॉप जो है ये 9400 फीट पे है, और इसमें डिफरेंट जो है प्लांट्स है, इसके अलावा डिफरेंट जो है ये वाइल्ड्स है, बर्ड्स है, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऑलरेडी लिखे हुए हैं जो इनको आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें नॉइस नहीं करना, स्मोकिंग, फायर पिट्स लेके आना, कुकिंग करना और अपने साथ हथियार लेके आना, तो इस जगह में रोबेटिक है। सो कोशिश कर लो जिन चीज़ों को अवॉइड करना है तो आप लोग अवॉइड करो, और जिन चीज़ों को आपको करना है इसको आप ईजीली कर सकते हो। अच्छा तो भाइयों, ये मशपुरी का जो ट्रिप है ना, ये किसी किसी को नसीब होता है।
गई कंकोसन समझ में।